पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देवरी में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। परिवार पेंशन नियम 1972 ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने को लेकर समस्त मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के आंदोलन चल रहे हैं। इसी को लेकर देवरी तहसील में सिविल लाइन चौराहा विवेकानंद मूर्ति के पास समस्त कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सभी कर्मचारीगण एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचे, जहां पर संगठन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम देवरी को सौंपा गया। आज हम लोग यहां पुरानी पेंशन बहाली संगठन को लेकर यहां इकट्ठे हुए हैं। तो ये प्रमोद चौबे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी के सानिध्य में हम लोग का एक कार्यक्रम रखा गया है और हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही सांकेतिक धरना दिया और अपनी बात को रखा। और पोस्टकार्ड अभियान के तहत हम लोगों ने सीएम और पीएम के लिए भी आह्वान किया है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन जो 2004 से बंद कर दी गई है वो हम लोगों को मिले। और इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, अदर विभाग को भी शामिल होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सभी एक रूप से शामिल हों तो हमारा ये संगठन का जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो। और आगामी समय में भी 1 तारीख को हम लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और उस पर अमल करेगी। आज हम लोगों का ये पोस्टकार्ड अभियान चल रहा है, निरंतर 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक का ये पूरे प्रांत स्तर का कार्यक्रम है। और प्रांतीय आह्वान पर आज हम लोगों ने देवरी ब्लॉक में माननीय सर जी को ज्ञापन सौंपा है कि हम लोगों की पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी गई थी और इसी तारतम्य में सारे हमारे कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। उसमें हमारे शिक्षा विभाग के पंचायत कर्मी, पुलिस, विस्तृत इसका वो है, सेंट्रल और स्टेट सारे कर्मचारी इसमें शामिल हैं। और यह पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। 1 दिसंबर को प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने काला दिवस मनाने का संकल्प लिया है। 1 दिसंबर के दिन ही हम लोगों की ये पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था, इसीलिए ये आह्वान किया गया है प्रांतियों की ओर से कि 1 दिसंबर को समस्त कर्मचारी काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और उसमें से हमारा जो देवरी ब्लॉक है इसके हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रमोद चौबे जी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि समस्त विभागों के राज्य कर्मचारी अधिकारी आगामी 1 दिसंबर को भोपाल में काला दिवस मनाने जा रहे हैं और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे जरूर सुनेगी। सरकार के मुखिया से निवेदन है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, जिससे कर्मचारी अधिकारी का परिवार सहित भविष्य सुरक्षित हो सके। एसजे न्यूज के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट।